यस बेटे शुरू। यस बेटे, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सरमन एट बनारस वी आर गोइंग टू टेक अ रीडिंग इन डिटेल, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन इन योर मदर टंग, दैट इज हिंदी लैंग्वेज। ओके, चैप्टर नेम इज सरमन एट बनारस एंड एक्टिविटी भी आप इसकी रीड करेंगे बेटे। व्हाट इज अ सरमन, सरमन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया सरमन क्या होता है, एक उपदेश टाइप में होता है, धार्मिक उपदेश जिसको कहते हैं। क्या होता है? धार्मिक उपदेश। इट इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक, क्या ये लेक्चर भाषण देते हैं या बातें करते हैं उससे डिफरेंट होता है? यस डिफरेंट होता है। लेक्चर तो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, और जो सरमन होता है वो खासकर किसके ऊपर होता है? धर्म के ऊपर होता है। कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे एज ए जोक, क्या ये जो वर्ड है सरमन, क्या नहीं है बेटा सरमन वर्ड है, इसको नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं? नो। क्या हम इसको जोक की तरह यूज कर सकते हैं, चुटकुले की तरह? नहीं, नहीं यूज कर सकते ना। किस वर्ड को बेटे? स्पीक आउट, बोला करो जो मैं पूछती हूँ, सरमन वर्ड को, ठीक है ना? तो नेगेटिव यूज कर सकते हैं और ना ही एज अ जोक यूज कर सकते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द फ्रेज गिवन इन द बॉक्स, आप कोई बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं एफ्लेक्टेड विद, ये आप सभी को अपनी नोटबुक में लिखने हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। विद मीनिंग यू विल फाइंड द आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर। बी कंपोज्ड, क्या है सेकेंड? थर्ड है डेजोलेशन, लेमेंटेशन, प्रोक्योर, बी सब्जेक्ट टू। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट, हु डिलीवर्ड इट, हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस? सरमन एट बनारस का तो हमें पता ही है, किसने दिया था? लॉर्ड गौतम बुद्ध ने। लॉर्ड भी लगा लेते हैं इसके आगे वर्ड, क्योंकि वो भगवान ही माने गए हैं। क्या माने गए हैं? भगवान। ओके, गौतम बुद्ध बिगेन हिज लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। आप अंडरलाइन करो सभी कि उन्होंने अपनी लाइफ, पहले तो सन देखो 563 BC, BC का क्या मीनिंग होता है? वेरी गुड, बिफोर क्राइस्ट। BC का क्या मीनिंग होता है? बिफोर क्राइस्ट। और 483, इसमें उल्टे चलते हैं, अभी जैसे हम आगे चल रहे हैं ना, 2020 चल रहा है तो 2021 आएगा, इसमें पीछे होता है ये। बिगेन हिज लाइफ एज अ प्रिंस, एक राजकुमार के तौर पर शुरू की, और राजकुमार जब था ये तो उसका नेम क्या था? मैं क्यों बता रही हूँ इतनी डिटेल में, जब भी आपको एग्जाम में आएंगे MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आएंगे, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको उस टाइम काम आएगी। अंडरलाइन करो, नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतमा, नॉर्दर्न इंडिया। अंडरलाइन करो इसको भी कि कौन से पार्ट में जन्म हुआ था इसका? नॉर्दर्न। हम कौन से इंडिया में रहते हैं? हर नॉर्थ, हम भी नॉर्थ, हम भी नॉर्थ पार्ट में रहते हैं। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। अंडरलाइन करो, कितनी उम्र में उसको भेजा गया? 12 की एज में। कौन सी एज में? 12। ये जो अंडरलाइन करा रही ना, इट मीन्स ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, इट मीन्स ये 1-1 मार्क्स के। ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, किस चीज के लिए भेजा गया उसको? स्कूलिंग। स्कूलिंग में ये नहीं कि ऐसी वैसी पढ़ाई, पढ़ाई भी किस चीज़ को, ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन है ये भी। हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, सेक्रेड क्या होता है? पवित्र, लिख लो। हाँ, और स्क्रिप्चर्स क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ। स्क्रिप्चर क्या होता है बेटा? धार्मिक ग्रंथ। एंड 4 years लेटर, 4 साल के बाद ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस। वो 4 साल बाद घर लौटा, किस लिए लौटा? हाँ, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन, उनका क्या था? एक बेटा था। एंड शी लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और रॉयल्टी क्या होती है? शाही अंदाज में 10 साल तक उन्होंने अच्छे से जीवन बिताया, जैसे कि राजकुमार तो था ही, वो तो कैसे जीवन बिताएगा शाही अंदाज में रॉयल्टी के साथ। 25 एट अबाउट द एज ऑफ 25, 12 years के में वो भेज दिया गया था, 4 years के बाद वो घर लौट के आया, कितने साल का हो गया? 16 साल का हो गया ना, तो उसी टाइम उसकी शादी हुई है, और 10 years उन्होंने क्या अच्छे से बिताए, तो अब ये कौन सी एज आ गई उसकी? एट द एज ऑफ अबाउट 25 years, कौन सी एज में बेटे? जब वो 25 साल का था। प्रिंस हेयर फॉर
शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. अभी तक उसको है ना छुपा के रखा गया था, कवर करके रखा गया था. शील्डेड क्या होता है? कवर करके रखना संसार की पीड़ाओं से. सफरिंग्स क्या होता है? सफरिंग वर्ड बार बार आएगा, इसको याद कर लो पक्का. सफरिंग्स मीन्स पीड़ाएं. संसार की पीड़ाओं से छिपा कर रखा गया था. वाइल्ड आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन, वैसे जब वो पैदा हुआ था ना तो पंडितों ने ना पहले ही घोषणा कर दी थी कि आपका लड़का कभी नहीं रहेगा, ये सन्यासी बन जाएगा, इसका जितना हो सके संसार की पीड़ाओं से छिपा के रखो. तो इसलिए इसके माता पिता ने इसको बचपन से ही बाहर का साया तक भी नहीं पढ़ने दिया था कि कोई भूखा है, बीमार है, बूढ़ा है, क्या कुछ भी नहीं पता था इसको. लेकिन एक दिन जब ये शिकार करने गया तो बाय चांस इसने क्या देख लिया, एक सिक मैन देखा. ये सारे क्वेश्चन में आएंगे कि चार पर्सन उसने कौन कौन से देखे. सबसे पहले उसने क्या देखा, एक सिक मैन. क्या होता है? बीमार आदमी. देन एन एज्ड मैन. उसके बाद क्या देखा? एज्ड, बूढ़ा आदमी. देन ए फनरल प्रोसेशन. फनरल प्रोसेशन क्या होता है? दाह संस्कार करना. जब कोई आदमी मर जाता है, हमारे हिंदुओं में क्या करते हैं, उसको दफनाते नहीं है, उसको जलाते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं. तीसरी क्या चीज देख ली उसने? दाह संस्कार. फनरल प्रोसेशन क्या होता है? दाह संस्कार. एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर एम्स. और फाइनली उसने क्या देखा, एक मॉन्क क्या होता है? भिक्षुक, भिखारी. बैगिंग होता है मांगना और आर्म्स क्या होता है? भिक्षा. उसने भिखारी को भीख मांगते हुए देख लिया. पहला क्या देखा बोलो? सिक मैन. सेकंड एज्ड यानी कि बुढ़ापा भी देख लिया उसने. थर्ड फनरल प्रोसेशन यानी कि दाह संस्कार. फोर्थ भिखारी. हाँ, अमोंग बैगिंग द आर्म्स. ये पूरा एक लॉन्ग पोर्शन में भी आएगा और शॉर्ट पोर्शन में भी आएगा. इसको खास ध्यान से सुनना बेटा, इसलिए मैं रिपीट भी करवा रही हूँ आपको. ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आएगा. अभी आप जो लेसन पढ़ रहे हो ना, इसको इतनी ध्यान से सुन लो कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको. दीज साइट्स, ये जो दृश्य हैं, साइट्स क्या होते हैं? दृश्य. सो कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस, कि उसने क्या दे, सॉरी दीज साइट्स सो मूव्ड ही. मूव्ड क्या होता है? हिला देना. मूव्ड का क्या मीनिंग है? इतना दया से भर दिया, इतना हिला दिया उसको अंदर तक. दैट एट वंस मीन्स एकदम. एट वंस मैंने एकदम से. ही बिकेम ए बैगर. वो जो राजकुमार था ना, जिसका नाम क्या था बोलो? सिद्धार्था. क्या नाम था? सिद्धार्था. वो क्या बन गया? बैगर. एंड वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक. सीक क्या होता है? ढूंढना. सीक क्या होता है? ढूंढना. एनलाइटमेंट, ज्ञान, प्रकाश. एनलाइटमेंट क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश. डाउन अंडर अ कंसर्निंग द सोरोस ही हैड विटनेस. उसने अभी अभी जो विटनेस की है ना, विटनेस मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद गवाह बना है उनका. किस चीज का? सभी पीड़ाओं का. उन चीजों का इलाज ढूंढने के लिए वो संसार को छोड़कर उसी टाइम निकल लिया. कितनी पीड़ा है इस संसार में. बुढ़ापा भी आएगा, भिखारी भी है, जलाते भी है इंसान को, बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है. उसको तो ये सब पता ही नहीं था. वो एकदम से क्या बन गया? भिखारी बन गया. उसने मीन सब कुछ छोड़ दिया. भीख मांगने के लिए भिखारी नहीं होता हर टाइम. कई बार क्या होता है, कोई चीज़ का पाने के लिए भी हम सब कुछ छोड़ देते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? भिखारी ही बोलते हैं. जो मतलब हमने भिखारी की गलत धारणा बना रखी कि सड़क पर बैठे हुए सब भिखारी होते हैं. ही वेंडर्ड. वेंडर्ड क्या होता है? इधर उधर भटकना. वेंडर्ड मीन्स क्या होता है? फॉर सेवन ईयर्स. अब ये याद कर लेना, कितने साल के लिए वो भटका? सेवन ईयर्स के लिए. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री. फिग ट्री होता है अंजीर का पेड़, फ्रूट होता है ये भी एक. फाइनली वो कहाँ बैठ गया? फिग ट्री के नीचे. कहाँ बैठ गया बेटा वो? कौन बैठा? सिद्धार्थ. अभी तो वो सिद्धार्थ है, बुद्धा नहीं बना है. अभी उसका बचपन का नेम ही चलेगा सिद्धार्थ. फिग ट्री के लिए बैठ गया. और कितने साल वो भटके हैं? वैंडरिंग कितने साल के लिए की है उन्होंने? सेवन ईयर्स के लिए. वेयर ही वॉव टू स्टे. वॉड क्या होता है? शपथ लेना, कसम खाना. उन्होंने कसम खा ली कि ही विल स्टे हेयर अनटिल एनलाइटमेंट केम. जब तक कि ज्ञान नहीं आता मैं इस फिग ट्री के नीचे ही बैठा रहूंगा, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए. एनलाइटमेंट एनलाइटेंड आफ्टर सेवन डेज ही रिनेम्ड द ट्री बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम. ये अंडरलाइन कर लो. सात दिन के बाद क्या आए इसको? एनलाइटमेंट आ गई, प्रकाश आ गया. और जो फिग ट्री था उसको दोबारा एक नेम दिया. क्या नाम दिया? बो ट्री.
वो का मीनिंग आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, सिखाना शुरू कर दिया। शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अभी उसको जो नई समझ में आई है ना, नई समझ लगी उसको जीवन में, उसको बांटना शुरू कर दिया, उसको सिखाना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, अब उसको किस तरह से जाना जाने लगा? बुद्धा। अब उसका सिद्धार्था से किस में चेंज हो गया? वो बुद्धा मीन्स हु नोज एवरीथिंग, हु बिकेम एनलाइटेड। क्वेश्चन आएगा बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं बार बार हिंदी इतना स्पीडली ना पढ़ा के रुक के पढ़ा रही हूँ आपको। और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है? जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सनमन एंड बनारस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये लाइफ से जुड़ा हुआ है। बुद्धा मीन्स द अवेकंड और द एनलाइटेंड, अवेकंड मीन्स जागा हुआ और एनलाइटेंड जिसको प्रकाश मिल गया है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, किस शहर में दिया था उसने? बनारस के एक शहर में दिया था। एंड मोस्ट होली ऑफ हिज डीपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, और सबसे ज़्यादा डीपिंग गोते लगाने वाला प्लेस है गंगा नदी के किनारे है वो। एंड द सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्वड एंड इज गिवन हेयर, सर्मन जो है यहीं पर इसको संभाल के रखा गया था और लिखा भी गया था बुक्स में और यहीं पर दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, रिफ्लेक्ट क्या होता है? झलकाना, दिखाना, रिफ्लेक्शन होती है, जैसे वापस लौटते हैं। क्या चीज़ दिखाती है ये बुद्धा की? विजडम, विजडम समझदारी, बुद्धि। अबाउट एन इनसक्यूरिटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ऐसी सफरिंग जिसको समझा नहीं जा सकता, अनसमझी। इनसक्यूरिटेबल का क्या मीनिंग है बेटा यहाँ पर? अनसमझे। कैसी सफरिंग के बारे में? अनसमझे। देखो एक ही पहरा में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ से क्या बन गए? वो गौतम बुद्धा। क्लियर हुआ? इस पूरे पैरा में हमने क्या पढ़ा है बेटे कि जो सिद्धार्था थे जिनके बचपन में, वो एकदम से कैसे गौतम बुद्धा में चेंज हुए? क्या चीज देखते हुए थे? एक वर्ड में बताना चाहे तो सफरिंग। क्या चीज देखकर चेंज हुए थे? सफरिंग। सफरिंग देखने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? वर्ड ही छोड़ दिया और जंगलों में चले गए और कसम खा ली कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी, अब यहाँ पे किस्सा शुरू हो जाता है, कहानी जो है जिसके लिए लेसन बना है। किसा गौतमी हैड ओनली वन सन, उसके पास कितने बेटे होते हैं? एक ही बेटा होता है। एंड ही डाइड, और वो भी मर जाता है। एंड ही आल्सो, यस तुम बेटे, डाइड मीन्स मर जाना। इन हर ग्रीफ, उस अपने दुख में, ग्रीफ बताया था अभी आपने प्रोडक्शन में, ग्रीफ क्या होता है? बार बार आएगा ये वर्ड ग्रीफ, मैंने दुख। सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो डेड चाइल्ड मरे हुए बच्चे को कहाँ लेके जा रही है? नेबर्स यानी कि पड़ोस में। एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और किस चीज़ के लिए मांग रही है उनको? दवाई मांग रही है। सबसे मेन चीज क्या मांग रही है? वो बार बार दवाई मांग रही है। एंड द पीपल सैड, लोगों ने कहा सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपनी सेंसेस चेतना खो दी है। सी इज द बॉय इज डेड, बच्चा तो मर ही चुका है, लड़का क्या है? मर चुका है, और ये दवाई मांग रही है। एट लेंथ, थोड़ी दूर पर किसा गौतमी मेट अ मैन, एक आदमी से मिली। हु रिप्लाइड, रिप्लाइड क्या होता है? आंसर करना। टू हर रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट करी थी दवाई के लिए। आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन, मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता फॉर यूर चाइल्ड। दाई का मीनिंग यहाँ पर क्या है बेटा? यू। दाई का मीनिंग क्या है? यू, लिख लो। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन क्या होता है? डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें दे सकता है। एंड द गर्ल सैड प्रे, प्लीज टेल मी, प्रे नहीं आया बेटा, प्लीज टेल मी सर हु इज इट, कौन है वो, कौन देगा दवाई? एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सल्ले मुनि, किसके पास जाओ? सल्ले मुनि द बुद्धा, साक्य मुनि होता है वैसे यहाँ पर, सल्ले मुनि दे रखा, साक्य मुनि है कि उसके पास जाओ, और वो उसको साक्य मुनि, सल्ले मुनि भी बोलते थे गौतम बुद्धा को। आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए आपका क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं कि आपने चैप्टर में कितनी अंडरस्टैंडिंग की है। स्टॉप।